नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। साथियों कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो लगातार आगे बढ़ रही होगी। दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया है, धूमधाम से, बहुत अच्छी बात है। और इसी क्रम में हम हमारी पढ़ाई को वापस शुरू करते हैं और हमारी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, उसको कंटिन्यू करते हैं, जिससे आने वाली एग्ज़ाम में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और हमारी जो एग्ज़ाम के साथ साथ आने वाली जो अगले साल की दिवाली है उसके अंदर आप सरकार की तरफ से बोनस लेते हुए नजर आएँ। यही हमारी शुभकामनाएँ हैं, यही मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ है। साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप जानते हो, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान में पशु संपदा। और जो पशु संपदा वाला टॉपिक है उसकी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं साथियों, अनअकैडमी के लाइव पोस्ट लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? आपको अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, 24x7 जो है आप लाइव देख सकते हो साथियों। और उसके अलावा आप किसी भी एजुकेटर की कहीं भी क्लास ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली प्रश्नोत्तरी हो सकती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, PDF डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा गाइडेंस ले सकते हो मेरे प्यारे साथियों। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं और अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद RPSC सेक्शन में जाना है और प्लस पे क्लिक करके आप 24 महीने के लिए केवल 350 रुपये महीने के अंदर कोर्स परचेज कर सकते हो। RPSC जो है, यहाँ पर जाकर आप विष्णु कुमार जानी को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकें। साथियों टेस्ट देने का फ़ायदा होता है कि आपकी कैपेसिटी की जांच होती है उसमें। चलो अगर विष्णु 1 रेफरल कोड का यूज़ करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में पशुधन। राजस्थान में पशुधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमने इसकी चर्चा कर ली थी, क्योंकि राजस्थान में जो है अधिकतर समय अकाल की स्थिति रहती है और इस स्थिति से निपटने के लिए जो है हमारे पशुधन जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़े थे, कल हमने पशुधन के बारे में जो है बेसिक चर्चा है उसको कंप्लीट कर लिया था मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद हम देख रहे थे कि जो हमारी पशु गणना है पहली बार 1919 में हुई थी, और ये पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर आयोजित होती है भाई, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, 20वीं जो गणना है ये आपके 2018 से शुरू हुई और 16 अक्टूबर 2019 तक चली, और ये पहली क्या है डिजिटल गणना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसकी गणना में किसने किया, आपके राजस्व मंडल और जो आपके पशुपालन निदेशालय है जयपुर, इन्होंने इस गणना को किया और इस गणना में राजस्थान का स्थान कौन सा है, 2रा स्थान है। और 19वीं गणना के अंदर आपको कितना पशुधन में कमी आई, 1.66% की पशुधन में कमी आई। सबसे पहले हमने देखा था ऊँट, ऊँट के बारे में हमने देखा था, इसकी बीकानेरी नस्ल होती है, गोमट की नस्ल होती है, नाचना की नस्ल होती है, इसके अलावा सिंधी, कच्ची और अलवरी नस्लें इसकी प्रमुख रूप से, हमारे जालौरी और मारवाड़ी नस्ल भी इम्पोर्टेंट रूप से जानी जाती है। इसके अलावा हमने देखा ऊँट के बारे में कुछ विशेष बातें कल हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था गाय के बारे में, गाय के बारे में हमने देखा था कि 19वीं से 20वीं जो गणना है उसके तहत गाय की संख्या के अंदर जो है आपके वृद्धि देखने को मिली है, और गायों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 4.41% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 4.41% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना, एक बार दोबारा ध्यान रखना, गायों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 4.41% की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा जो गायें हैं वो आपके बीकानेर में, सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पर है आपके बीकानेर में है, और सबसे कम गायें कहाँ पर है आपके धौलपुर में, ये इम्पोर्टेंट बात है भाई, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा था कि आपकी जो राजस्थान है, इस राजस्थान का ये आपका मैप है, और इस मैप के अंदर हमने देखा था यहाँ पर एक गाय का नस्ल पाया जाता है जिसका नाम है राठी, यहाँ पर एक गाय का नस्ल है जिसका नाम है आपके हरियाणवी, ठीक है, यहाँ पर एक गाय का नस्ल है जिसका नाम है आपके मेवाती, यहाँ पर आपके गाय का नस्ल है साथियों जिसका नाम है आपके मालवी, यहाँ पर एक गाय का नस्ल है जिसका नाम है गिर, यहाँ पर एक गाय का नस्ल है जिसका नाम है नागू, यहाँ पर एक गाय का नस्ल है आपके जिसका नाम है आपके सांचोली।
यहाँ पर एक गायक नस्ल है जिसका नाम है आपके थार पारकर, और यहाँ पर एक गायक नस्ल है जिसका नाम है आपके कांकरेज। तो ये आपकी प्रमुख नस्लें हैं किसके बारे में, गाय के बारे में, जो कि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो राठी देखो कहाँ पाई जाती है, आपके बीकानेर के आसपास पाई जाती है। हरियाणा में कहाँ पाई जाती है, आपके जो आपके हरियाणा बॉर्डर है इसमें पाई जाती है। इसके अलावा आपकी जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है इसके अंदर मेवाती मिलती है। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान और आपको जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है इसमें मालवी मिलती है। इसके अलावा आपके जालौर उदयपुर के आसपास सांचौरी मिलती है। जालौर और बाड़मेर वाले क्षेत्र में कांकरेज मिलती है, और आपके जैसलमेर वाले क्षेत्र में थारपारकर मिलती है। अजमेर वाले क्षेत्र में गिर मिलती है, और नागौर वाले क्षेत्र में नागौरी मिलती है भाई, ठीक है। यह आपकी प्रमुख क्या है, गायों की नस्लें हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है भाई, ठीक है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आपकी पहली गाय का प्रकार है, नस्ल है, जिसका नाम है राठी नस्ल। देखिए राठी नस्ल को देखिए आप, ये जो राठी नस्ल है इसकी देखो चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पहली बात, राठी नस्ल कहाँ पर मिलती है, जो मैंने मैप बनाया था आपके राजस्थान का, तो ये वाली आपकी इस जगह पे आपकी क्या मिलती है, राठी नस्ल मिलती है। तो देखो ये कहाँ पर मिलती है, श्री गंगानगर और बीकानेर, ये तो हो गया सबसे पहली बात। ये कौन से क्षेत्र में मिलती है, श्री गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र में मिलती है। इसकी सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ये जो राठी है ये आपकी सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल है, ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, राजस्थान की कामधेनु। ध्यान रखना राजस्थान की कामधेनु नदियों के अंदर पूछे तो कौन सी नदी है, आपके चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी कहते हैं। अगर गाय की पूछे कि राजस्थान की कामधेनु कौन है, तो आपके राठी जो गाय है ये आपके राजस्थान की कामधेनु है। इसके अलावा देखो इसकी क्या खास बात है, आपकी एक गाय है जिसका नाम है लाल सिंध, यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और एक गाय है साहिवाल, इन्हें दोनों की क्या है, ये मिश्रित नस्ल है, यानी लाल सिंध और साहिवाल की क्या है, ये मिश्रित नस्ल है। देखो ये सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, देखो ये गाय जो है सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, क्योंकि इसका शरीर भी थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, इसलिए दूध देने की क्षमता भी इसकी ज़्यादा होती है भाई, ठीक है। और आप जानते हो ये जिस क्षेत्र में रहती है, इस क्षेत्र के अंदर पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका जो भोजन होता है जिसे आप रिझका बोलते हो उसकी मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है, इसीलिए इनका दूध की मात्रा भी ज़्यादा मिलती है भाई, ठीक है। इसके अलावा देखो इसका जो ब्रीडिंग सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट क्या करते हैं, इनकी ब्रीडिंग यानी इनकी जो संख्या है इसको बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और इसकी संख्या के अंदर मॉडिफाई करते हैं, इसकी जो जीन है इसके अंदर और चेंजेस करते रहते हैं, जिससे क्या है इनका ब्रीडिंग सेंटर अच्छा बने और अच्छी नस्ल की गायें हमारे यहाँ पर रहने लगे, इसलिए ब्रीडिंग सेंटर बनाती है सरकार। तो राठी गाय के लिए जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, आपके नोहर में है, और नोहर कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। इसलिए इसका ये जो आपकी ब्रीडिंग सेंटर है ये किसने खोला था, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में, किसने खोला था इसको, बीकानेर कृषि जो विश्वविद्यालय है इसने इसका क्या किया है, जो आपकी ब्रीडिंग सेंटर है इसको खोला है। तो एक बार देख लीजिए राठी गाय है जो बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे ये देखो, दूसरी ये आपके हरियाणवी गाय है। कौन सी गाय है, हरियाणवी, आप देख पा रहे हो हरियाणवी गाय को। ये जो हरियाणवी गाय है ये आपके मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है। कौन से क्षेत्र में मिलती है, शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है भाई, ठीक है। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है, इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, कुम्हेर, कुम्हेर एक जगह है आपकी कहाँ पर, भरतपुर में, यहाँ पर इसका क्या है, ब्रीडिंग सेंटर है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये ब्रीडिंग सेंटर है इनको आपको याद रखना है, ये बिल्कुल पूछे जाते हैं। हरियाणवी गाय के लिए देखो दो मेले लगते हैं, एक मेले का नाम है जसवंत पशु मेला। कौन सा पशु मेला है, जसवंत पशु मेला है। और ये जो जसवंत पशु मेला है ये कहाँ पर लगता है, आपके भरतपुर में लगता है। और ये कौन से गाय के लिए है, आपके हरियाणवी के लिए है। ऐसे ही आपके एक और मेला लगता है गोगा मेड़ी पशु मेला। गोगा मेड़ी जो पशु मेला है
वो कहाँ पर लगता है? आपके हनुमानगढ़ में लगता है। और कौन सी गाय के लिए लगता है? आपके हरियाणवी गाय के लिए लगता है। और इस गाय का जो उद्गम है, जो इसका पैलेस ऑफ ओरिजिन है, यानी इस गाय का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये हरियाणा की मुख्य रूप से गाय है। कहाँ की गाय है ये? मुख्य रूप से हरियाणा की गाय है। इसीलिए इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? एक तो शेखावाटी क्षेत्र है। नंबर एक तो कौन सा क्षेत्र है ये? शेखावाटी, यानी इस क्षेत्र में मिलती है, शेखावाटी में। और दूसरा इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? आपके एक क्षेत्र तो कौन सा हो गया इसका? शेखावाटी। दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया? हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र, यानी जो हरियाणा है इसके जो निकटवर्ती जिले हैं इनके अंदर ये गाय की जो है नस्ल मिलती है भाई। ठीक है, अब आप फोटो देख सकते हो। ये मत कहना कि साहब हमें समझ में नहीं आया है, अच्छे से मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, त्यौहार का सीजन है। ठीक है ना, आपको भी थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा जोर आ रहा होगा। देखो यहाँ पर आप हमारी कौन सी मिली? राठी। यहाँ पर कौन सी मिली? हरियाणवी। तो ये देखो इस वाले पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको जो है ये हरियाणवी गाय मिलती है। और यहीं पर भरतपुर है अलवर के आगे, और यहीं भरतपुर में कुम्हेर नामक स्थान पर इसका ब्रीडिंग सेंटर है। ठीक है, और राठी का ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर था? नोहर हनुमानगढ़ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी गाय आती है जिसका नाम है मेवाती। कौन सी गाय है? मेवाती। मेवाती का जो पैलेस ऑफ ओरिजिन है ये कहाँ पर है? अलवर और भरतपुर। आप जानते हो अलवर और भरतपुर का जो उत्तरी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी क्षेत्र है। इस उत्तरी क्षेत्र में मेव जाति ज्यादा रहती है। कौन सी जाति रहती है? मेव जाति। और इसी मेव जाति की वजह से इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेवात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवात। और इस क्षेत्र में जो ये गाय पाई जाती है जिसकी फोटो आप देख पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेवाती। क्या बोलते हैं? मेवाती। तो इसका पैलेस ऑफ ओरिजन यानी इस गाय का उद्गम कहाँ से हुआ? ये मेवात क्षेत्र से हुआ। देखो इसका ब्रीडिंग सेंटर, इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है यानी इसका जो प्रजनन केंद्र है, ब्रीडिंग सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रजनन केंद्र। इसका जो प्रजनन केंद्र है और साथ में राजस्थान का पहला सीमन बैंक, पहला क्या है ये? राजस्थान का पहला सीमन बैंक। ये दोनों कहाँ पर है? आपके बस्सी में है। कहाँ पर है? आपके बस्सी में है। और बस्सी कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। ठीक है, और ये जो आपके मेवाती नस्ल की जो गाय और जो आपके जो बछड़े होते हैं वो वन की उपज ढोने में और हल चलाने में, यानी एक तो भार वहन करने में, क्या करने में? भार वहन करने में, और दूसरा हल चलाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भार ढोने के लिए और हल चलाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेवाती गाय और मेवाती बैल। ठीक है, भाई बैल को अलग से नहीं पढ़ते हैं, गायों की ही जो क्वालिटी है वही बैल की क्वालिटी है। ठीक है, तो हमने तीन देखी है अभी तक। एक हमने देखी है कौन सी? ये देखो यहाँ पे देखिए राठी, ठीक है ना, जिसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? नोवर हनुमानगढ़ में। एक देखिए हरियाणवी, जिसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? आपके कुम्हेर भरतपुर में। एक देखिए हमने मेवाती, जिसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। और साथ में बस्सी क्या है? राजस्थान का पहला सीमन बैंक भी है यहीं पर। आगे बढ़ते हैं, नंबर चार देखते हैं मालवी। कौन सी है ये? मालवी। देखो कितनी सुंदर गाय है और जो है आपके चारे के ढेर के बीच के अंदर खड़ी हुई है आराम से और आपको देख रही है। साथ में पशुधन है ये, क्या बोलते हैं इसे? पशु संपदा बोलते हैं, यानी ये संपदा है। इसका मतलब क्या है? ये धन है भाई। ठीक है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो देखो आगे, ये है मालवी नस्ल की गाय। इसे बोलते हैं पैलेस ऑफ ओरिजन। क्या बोलते हैं? पैलेस ऑफ ओरिजन। इसका जो पैलेस ऑफ ओरिजन है वो क्या है? वो है आपके मालवा। क्या है? मालवा। और मालवा कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश। आप जानते हो ये आपका जो राजस्थान है, इस राजस्थान के पास में ये आपके मध्य प्रदेश है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक पठार है जिसे आप बोलते हो मालवा का पठार। क्या बोलते हो? मालवा का पठार। और आपके राजस्थान के अंदर दो क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र का नाम है माल और एक क्षेत्र का नाम है मालव। तो जो माल है इसका मतलब क्या होता है? हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार? हाड़ौती के पठार को क्या बोलते हैं? माल।
और मालव किसे बोलते हैं, यानी राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ पर मध्य प्रदेश के मालवा का जो पठार है वो टच होता है उसे मालवा मालव बोलते हैं। और राजस्थान में ये जो मालव क्षेत्र है ये कहाँ पर होता है, ये आपके एक तो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, कौन सा, प्रतापगढ़, और एक जो है आपके दूसरा जो है आपके प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वो, यहाँ पर ये मालव कहते हैं। तो देखो ये कौन से क्षेत्र में मिलती है, ये आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मिलती है, कौन से क्षेत्र में मिलती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान में, यानी एक तो हाड़ौती की पठार पर मिलती है और एक मिलती है आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र में, यानी बिल्कुल दक्षिण राजस्थान में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, इस क्षेत्र के अंदर ये गाय जो है आपकी मिलती है, इसका नाम क्या है, मालवी। देखो इसका मेला लगता है, इस गाय का क्या लगता है, मेला, एक तो चंद्रभागा मेला लगता है आपके झालावाड़ में और एक आपके गोमती सागर मेला लगता है झालावाड़ में। तो जो चंद्रभागा मेला है और जो आपके गोमती सागर मेला है ये आपके मालवी नस्ल की गाय के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और बड़ा ही फेमस है भाई, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, इसको याद रखना। तो ये है आपकी मालवी गाय। अभी तक हमने चार गाय देखी है, राठी जिसका प्रजनन केंद्र नोहर हनुमानगढ़ में है, हरियाणवी जिसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, आपके कुमेर भरतपुर में है, और मेवाती जिसका प्रजनन केंद्र आपके बस्सी में है, एक मालवी जिसका प्रजनन केंद्र आपके कहाँ पर है, डग में, कहाँ पर है, डग, और डग कहाँ पर है, झालावाड़ में, कहाँ पर है, डग झालावाड़ में, ठीक है, ये इसका प्रजनन केंद्र है मालवी का, कहाँ पर है, डग झालावाड़ में। अब आगे देखते हैं नंबर पाँच, नंबर पाँच आप देख रहे हो गाय थोड़ी मोटी सी है, ठीक है ना, ये ऊपर बिल्कुल थोड़ी स्पेस बराबर सा होता है, और इस गाय को बोलते हो आप सांचोरी, कौन सी, सांचोरी गाय। और सांचोरी गाय आपके मुख्य रूप से उदयपुर जालोर और सिरोही वाले क्षेत्र में मिलती है, यानी जब आप मैप देखोगे तो इस मैप के अंदर ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, इस वाले एरिया के अंदर जो गाय मिलती है वो गाय का नाम क्या है, आपके सांचोरी नस्ल की गाय मिलती है, सांचोरी, ठीक है ना। सांचोर आप जानते हो जालोर का एक क्षेत्र है जिसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान का पंजाब बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, ये सांचोरी है तो सांचोर में, और सांचोर जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, जालोर में, कहाँ पर है, जालोर में, बात समझ रहे हो, यानी सांचोरी जो गाय है वो आपके उदयपुर जालोर और सिरोही में मिलती है, और इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो आपके कहाँ पर है, सांचोर में है, बात समझ गए। तो ये है आपके सांचोरी गाय, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अभी तक हमने पांच नस्लें देखी है, ये है नंबर छः गिर। देखो लग के से रहिए, जैसे गिर के जंगलों से आइए और टाइगर ही है। तो देखो नंबर छः गिर, गिर जो है इसका पैलेस ऑफ ओरिजन, यानी इसका उद्गम स्थान क्या है, गिर की पहाड़ियाँ, या गिर जो आपके अभयारण्य है, ठीक है ना, जो आपके शेर के लिए प्रसिद्ध है, उस क्षेत्र के अंदर आपके इसका उद्गम हुआ है। और ये मुख्य रूप से कहाँ की है, आपके गुजरात की है, कहाँ की है, गुजरात की। इस चीज़ को नहीं भूलें कि गिर जो गाय है ये मुख्य रूप से कहाँ की है, आपके गुजरात की है। इसका जो अन्य नाम है ये अजमेर के क्षेत्र के आसपास मिलती है, इसलिए इसे अजमेरा या अजमेरी और रेंडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक तो इसे जानते हैं रेंडा के नाम से और एक इसे जानते हैं अजमेरी के नाम से, ठीक है ना, रेंडा या अजमेरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कहाँ पर मिलती है ये आपके अजमेर डिवीजन में मिलती है, यानी अजमेर संभाग में ये जो गाय है ये ज़्यादा मिलती है। देखो ये गाय जो है दूध देने के लिए, ठीक है ना, और आपके भार ढोने के लिए ये गाय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बोलते हैं द्वीप प्रयोजनीय नस्ल, यानी ये जो गाय या आपके जो बैल है ये दो प्रयोजन के लिए काम में आता है, यानी ये दूध भी देती है और आपके भार ढोने के भी काम में आती है, इसलिए ये द्वीप प्रयोजनीय नस्ल है, ध्यान रखना इसका। और इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है, ब्रीडिंग सेंटर का मतलब क्या है, इसका जो प्रजनन केंद्र है, कौन सा केंद्र है, प्रजनन केंद्र है ये आपके रामसर अजमेर में है भाई, कहाँ पर है ये प्रजनन केंद्र, रामसर अजमेर में ये आपका प्रजनन केंद्र है, बात समझ गए। तो ये है इसका ब्रीडिंग सेंटर। देखो भाई
गिर जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? गिर अभयारण्य गुजरात से। इसका दूसरा नाम क्या है? अजमेरी और रेंडा। इसका कौन सा स्थान है? अजमेर संभाग। दूध देने और बाहर ढोने के लिए ये प्रसिद्ध है, इसलिए ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? रामसर अजमेर में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छठी हमने क्या देखी है? गाय की नस्ल देखी है। पहली राठी, दूसरी आपकी हरियाणवी, तीसरी आपकी मेवाती, चौथी आपकी मालवी और पांचवी आपके सांचौरी और छठी आपकी गिर। ठीक है ना? गिर का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? रामसर अजमेर में है। ठीक है ना? ये आप ध्यान रखना, इनको भूलना मत। आगे बढ़ते हैं। नागौरी, देखो नागौरी दूर से आपको दिखाई दे रही है, कुबड़ कुबड़ पट्टी बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही है इसकी, तो ये है नागौरी। साथियों एक स्थान है जिसका नाम है सुहालक स्थान। कौन सा स्थान है? सुहालक। और ये सुहालक जो स्थान है ये नागौर का है। ठीक है ना? और यहाँ के जो है बेल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? बेल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है आपके कहाँ के? सुहालक नागौर के। ठीक है ना? इसके अलावा इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है ये आपके कहाँ पर है? ये आपके नागौर में है। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? नागौर में है। इसका ध्यान रखना, इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? आपके नागौर में है। नागौरी जो गाय है ये जो सुहालक प्रदेश है आपके नागौर का, इसकी बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके जो बेल है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं, सुहालक क्षेत्र के बेल। ठीक है ना? और इसका ब्रीडिंग सेंटर यानी जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? नागौर में है। इस चीज़ को भूलें नहीं आप, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखो अभी तक हमने देखी है सात। मैं चाहता हूँ आपको ये गाय अभी के अभी याद हो जाए। ये आपकी कौन सी होगी? राठी। ये आपकी कौन सी होगी? हरियाणवी। ये कौन सी होगी? मेवाती। ये कौन सी होगी? मालवी। ये कौन सी होगी? सांचौरी। ये कौन सी होगी? गिर। और ये कौन सी होगी? आपकी नागौरी। अब देखो राठी का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये आपके नौ हनुमानगढ़ में है। हरियाणवी का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? आपके कुम्हेर भरतपुर में है। और मेवाती का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में है। और ये जो मालवी है इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? डग झालावाड़ में है। गिर का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? रामसर अजमेर में है। नागौर का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? नागौरी का नागौर नागौर में है। और जो सांचौरी है इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सांचौर जालौर में है। जो मैं आपको बता सकता हूँ तो आप भी इसे याद कर सकते हो, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है भाई। बात समझ आ रही है ना आपको? इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो ये थी इधर कुछ बातें और कुछ प्रमुख नस्लों जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी बातें? नागौर की बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल गाय है। और ये है आपके कांकरेज। बहुत देखे हो ना आप कांकरेज कांकरेज करते हो, इसे देखो ये है आपके कांकरेज नस्ल की गाय। कौन सी नस्ल की गाय है ये? कांकरेज नस्ल की गाय है ये। तो ये जो कांकरेज है देखो कितनी सुंदर है और बिल्कुल काले कलर की है, इतनी मोटी तगड़ी है, इसके सींग देखिए आप कितने शानदार हैं। ठीक है ना? ये है कांकरेज, भूलना मत इसको। ठीक है ना? नज़र लग जाए काला धागा बांधना पड़ेगा इसके गले में, ऐसे नज़र नहीं लगती। देखो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। देखो तो देखो जो ये कांकरेज गाय है ये कौन से स्थान की है? ये कच्छ के रण की है। यानी इसका जो मूल स्थान है, इस गाय का जो क्या है मूल स्थान है वो क्या है? कच्छ का रण है। और कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात। अब देखो कांकरेज कहाँ पर मिलती है? आप मेप देखोगे तो आपको यूँ लगेगा ना, ये आपके सांचौरी हो गई थी, ये आपके यहाँ पर इस जगह पे क्या है, ये आपके कांकरेज मिलती है। यानी इधर आपके जालौर है, इधर आपके बाड़मेर है, इधर सिरोही वाला जो क्षेत्र है ना और पाली वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये ज़्यादा मिलती है। तो देखो जालौर बाड़मेर सिरोही और पाली, जालौर बाड़मेर सिरोही और पाली यहाँ पर आपकी कांकरेज नस्ल की गाय ज़्यादा मिलती है। साथियों अब दोबारा गाय भैंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से देख लेना। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? वो आपके चौहाटन बाड़मेर में है। ध्यान रखना भाई इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? चौहाटन बाड़मेर में इसका क्या है? ब्रीडिंग सेंटर है। इसका विशेष ख्याल रहे, इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? चौहाटन बाड़मेर में है। ये देखो ये जो है वजन, जो वरस लिखा हुआ है, जबकि ये क्या है? वजन ढोने यानी भार ढोने एवं दूध देने के लिए प्रसिद्ध है।
यानी ये कौन सी नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। कौन सी नस्ल है, द्विप्रयोजनीय। ध्यान रखना पिछली बार हमने गिर देखी थी, कौन सी, देखो गिर भी कैसी है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी दूध देने और वजन ढोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। और आपकी कांकरेज भी देखो किस लिए प्रसिद्ध है, दूध देने के लिए और आपके भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके द्विप्रयोजनीय गाय है, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं, कांकरेज, ये आपके गुजरात से सटे हुआ जो बॉर्डर है इसके आसपास मिलती है, बात समझ रहे हो ना, ये आपकी क्या है, कांकरेज। अब हम बात करते हैं थारपारकर, देखो कितनी प्यारी गाय है, कितनी सुंदर गाय आपको दिखाई दे रही है। आप यूं मत समझना कि ये जो गाय है ये बनाई हुई है, ये फोटो एडिट करके बनाई हुई नहीं है भाई, ठीक है ना, ये गाय है ही ऐसी, ठीक है ना, इसलिए तो ये पशु धन है हमारा, क्या है ये, धन है, धन। ये क्या है, थारपारकर, देखो थारपारकर पैलेस ऑफ ओरिजन, यानी इसका उद्गम स्थान कौन सा है, इसका उद्गम स्थान है आपके सिंध, और सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में, सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ये इसका क्या है, उद्गम स्थान है। और राजस्थान के अंदर या भारत में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है ये, क्या आपकी मिलती है मालानी बाड़मेर क्षेत्र में और जैसलमेर क्षेत्र में, यानी मालानी बाड़मेर क्षेत्र में और आपके जैसलमेर क्षेत्र में मिलती है। थारपारकर तो क्या है, एक तो आपके गाय की नस्ल है, किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है, और एक आपके पाकिस्तान का क्या है, जिला है, एक तो आपकी गाय की नस्ल है और एक क्या है, ये पाकिस्तान का क्या है, जिला है, पाकिस्तान का जिला है, कौन से प्रांत का, आपके सिंध प्रांत का, बात समझ रहे हो। तो ये देखो थारपारकर है, कितनी सुंदर गाय है, इसकी ऊंचाई देखिए आप गाय की, ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे बेल हो, ये गाय नहीं हो, इसलिए महत्वपूर्ण है आपके थारपारकर। पैलेस ऑफ ओरिजिन क्या है, सिंध, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और ये मालानी बाड़मेर और जैसलमेर में ज़्यादा मिलता है। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है, यानी इसका जो प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ पर है, वो आपके चांदन में है, चांदन का नाम सुना है, चांदन नलकूप, ठीक है ना, जैसलमेर की याद आया, पोकरण से मोहनगढ़ तक, कहाँ से, पोकरण से लेकर मोहनगढ़, जैसलमेर में एक 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है जिसके ऊपर एक घास उगती है, इस घास को सेवन घास बोलते हैं, और इस घास के आसपास दो जीव बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एक का नाम है थारपारकर गाय, जो इस घास को खाकर बहुत ज़्यादा अच्छा दूध देती है, और एक है आपके गोडावन, क्या है, गोडावन, जो राजस्थान का क्या है, आपके राज्य पक्षी है, ठीक है ना, ये दोनों इस सेवन घास को खाते हैं और इसलिए इतना हष्ट पुष्ट रहते हैं, और ये गायें बहुत अच्छा दूध देती है। देखो थारपारकर गाय, इस गाय की क्वालिटी को देखकर थारपारकर गाय विकास व प्रजनन केंद्र किशनगढ़ अजमेर में बनाया गया है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो एक प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर आपके चांदन जैसलमेर में है, एक आपके थारपारकर गाय का विकास व प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, आपके अजमेर किशनगढ़ के अंदर बनाया गया है। ये वही किशनगढ़ है जहाँ पर आपके एक एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, और साथ ही यहाँ पर मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है और ग्रेनाइट की सबसे बड़ी मंडी है। ये वही किशनगढ़ है जिसके पास में आपके निम्बार्क संप्रदाय का प्रधान पीठ स्थल स्थित है, ठीक है। तो ये हुई साथी आपके किसके बारे में, थारपारकर के बारे में। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपके सूरतगढ़ में है, श्रीगंगानगर में। अगर देखो हमने देखी है अभी तक 9 प्रकार की क्या है, देसी नस्लें। अब हम बात करते हैं किसकी, विदेशी नस्लों की, यानी राजस्थान में गायों की विदेशी नस्ल भी मिलती है। जैसे नंबर एक जर्सी गाय, जो जर्सी गाय है, ये देखो आप फोटो देख सकते हो जर्सी गाय की, ये आपकी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये उसकी प्रजनन स्थली है। यानी जर्सी गाय कहाँ की है, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ऐसे ही देखो नंबर दो आपके गाय है जिसका नाम है रेड डैन, क्या नाम है इसका, रेड डैन। ये जो रेड डैन गाय है, ये कहाँ पर, आपके डेनमार्क में, कहाँ की है ये गाय, डेनमार्क की है, और पूरे राजस्थान के अंदर फैली हुई है ये गाय,
जिसके अंदर उत्तरी राजस्थान में ज़्यादा है, उत्तर और पूर्वी राजस्थान में। इसके अलावा आपके एक गाय है जिसका नाम है होलिस्टन, और जो होलिस्टन गाय है ये गाय कहाँ की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। कहाँ की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है ये गाय। और इस गाय की खास बात क्या है, शरीर पर सफ़ेद और काले धब्बे पाए जाते हैं और दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। एक गाय देखी होगी आपने जहाँ पर ये काले, ये सफ़ेद, ये काला, ये सफ़ेद, ये काला, ये सफ़ेद, ये काला, ये सफ़ेद, ऐसे धब्बे होते हैं, ठीक है ना। वो जो गाय होती है आपकी वो कौन सी होती है, जो आपका सरस का जो घी का पैकेट आता है ना, सरस के घी के पैकेट के ऊपर एक गाय देखी होगी आपने सफ़ेद और काले धब्बों की, वही गाय है आपकी होलिस्टन गाय, ठीक है। तो देखो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, सूरतगढ़ में है, जो कहाँ पर है, श्रीगंगानगर में। विदेशी नस्ल की गायें तीन है, एक का नाम जर्सी है, एक का नाम रेडडेन है और एक का नाम होलिस्टन है, ठीक है ना। इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम एक बार वापस देख लेते हैं गायों को, ठीक है ना, मोटी मोटी बात कर लेते हैं। राठी कहाँ पर मिलती है, गंगानगर बीकानेर में, राजस्थान के कामधेनु पर। ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, नोहर हनुमानगढ़ में। फिर देखो हरियाणा में, ये कहाँ पर, आपके शेखावाटी वाले क्षेत्र में, बड़ी सुंदर गाय है, सफ़ेद गाय होती है, और कुम्हेर भरतपुर के अंदर इसका ब्रीडिंग सेंटर है। मेवाती, ये जो है आपके अलवर भरतपुर में मिलती है मेवाती गाय, इसके दूध देने की क्षमता जो है थोड़ी कम होती है और की अपेक्षा। इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, बस्सी जयपुर में है। इसके अलावा देखो मालवी गाय, मालवी गाय भी दूध जो है थोड़ी कम देती है, किसकी अपेक्षा, आपके थार पारकर की अपेक्षा या राठी की अपेक्षा। देखो पैलेस ऑफ ओरिजिन कहाँ पर है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश। ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, झालावाड़ में, ठीक है। आगे देखो सांचोरी, ये मुख्य रूप से कहाँ पर, सांचोर के आसपास यानी जालोर के आसपास, ठीक है। इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, सांचोर में। गिर, गिर कहाँ पर, गुजरात। इसका मूल स्थान कौन सा है, गिर गुजरात। राजस्थान में कहाँ मिलती है, अजमेर संभाग में। नाम क्या है, अजमेरी और रेंडा। इसका इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, रामसर अजमेर में है। इसके अलावा नागौरी, नागौर क्षेत्र में, सुहाना क्षेत्र की गाय और बैल प्रसिद्ध है, और इसकी ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, नागौर में। कांकरेज, देखो सबसे बेस्ट गाय है आपके कांकरेज, देखो कितनी सुंदर दिख रही है गाय, ठीक है। और ये जो कांकरेज है कच्छ के रण गुजरात में मिलती है, और ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, चौहाटन बाड़मेर में है। ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, चौहाटन बाड़मेर में है, ठीक है। थार पारकर बहुत सुंदर है ये। पहले सो ओरिजिन कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान, और कहाँ पर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर ये गाय आपके ज़्यादा मिलती है। ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, चांदल जैसलमेर में। और थार पारकर गाय विकास प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, किशनगढ़ अजमेर में है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, विदेशी नस्ल की गायें कौन सी, जर्सी, रेडडेन और होलिस्टन। तो साथियों अभी तक जो आपने स्टडी किया ये थी आपकी गायों के बारे में चर्चा, किसके बारे में, गायों के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं भैंस की, ठीक है ना। तो देखो भैंस की अगर हम बात करें तो भैंस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, 19वीं पशु गणना के अनुसार 1,29,00,000 भैंस थी, और 20वीं पशु गणना के अनुसार 1,37,00,000 भैंस है। 19वीं का मतलब 2012 और ये का मतलब 2018-19, ठीक है ना, जो पहली डिजिटल गणना है। तो इसके अंदर वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो देखो इसके अंदर वृद्धि हुई है, और वृद्धि लगभग कितनी है, 5.53% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 5.53% की क्या हुई है, 5.53% की वृद्धि हुई है आपके भैंसों के अंदर। बात समझ गए। अगर भैंसों की बात करें तो भैंसों के अंदर जो एक नंबर पे है, ठीक है ना, जो आपके फर्स्ट नंबर पे है वो कौन सा स्टेट है, फर्स्ट नंबर पे आपके उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भैंसों के अंदर कौन से स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है। यानी राजस्थान जो है, आपकी भैंसों की संख्या की बात करें तो भैंसों की संख्या में कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है भैंसों की संख्या में, ठीक है ना। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसके बारे में हम दो तीन बातें और देखेंगे, इसके बारे में, भैंस के बारे में। तो देखो पहली बात ये है कि ये जो भैंस है आपके, तो कुछ बातें आपके भैंस के बारे में ये है कि जो ये भैंस है
इसकी कौन कौन सी जो है आपके नस्लें राजस्थान में मिलती है, इसके बारे में एक बार चर्चा करना जरूरी है। कौन कौन सी जो नस्ल है आपके भैंस की, ये राजस्थान में मिलती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो यहाँ पर एक नस्ल है भैंस की जिसका नाम है मुर्रा। क्या नाम है? मुर्रा। यहाँ पर एक भैंस की एक नस्ल मिलती है और इसका नाम है आपके सूरती। क्या नाम है? सूरती। और इस जगह पर ये जो काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक भैंस की नस्ल मिलती है, इसका नाम है आपके जाफराबादी। क्या नाम है? जाफराबादी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो ये जो मुर्रा नस्ल है, इसका अगर आपसे पूछे कि मूल स्थान कहाँ पर है, तो इसका जो मूल स्थान है वो है आपके मॉन्टगोमरी पाकिस्तान। कौन सा स्थान है? मॉन्टगोमरी पाकिस्तान, ये इसका मूल स्थान है। इसके अलावा मुर्रा जो है ये सर्वाधिक दूध देती है। क्या देती है? ये आपके सर्वाधिक दूध देती है। इसके अलावा ये जो मुर्रा है, इसके दूध की खास बात है, इसके अंदर जो फैट होता है, जो वसा होती है, वो 7-8% वसा होती है मुर्रा नस्ल की जो भैंस है इसमें। इसका जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान। उत्तर पूर्वी राजस्थान, इस वाले पूरे क्षेत्र के अंदर आपके जो है ये पाई जाती है। बात समझ गए? इसके अलावा देखो, अगर आप बात करो भैंस की, तो भैंस जो है आपके राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर मिलती है? भैंस आपके सर्वाधिक मिलती है जयपुर ज़िले में, ठीक है। और भैंस जो है आपके राजस्थान में न्यूनतम कहाँ पर मिलती है? न्यूनतम मिलती है आपके जैसलमेर में। भैंस को ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है, ठीक है ना? ताले हुए तो क्या हुआ भाई, ज़्यादा पालतू ऐसे टेम्परेचर में नहीं रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सर्वाधिक जयपुर में और न्यूनतम आपके जैसलमेर के अंदर मिलती है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। सूरती जो है, इसका जो मूल स्थान है, इसका मूल स्थान मानते हैं गुजरात को। किसको मानते हैं? गुजरात को। और जो जाफराबादी है, इसका मूल स्थान मानते हैं हम काठियावाड़। काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में, काठियावाड़। यानी जाफराबादी जो है, इसका मूल स्थान क्या है? आपके काठियावाड़ को मानते हैं। और काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये हुई भैंस के बारे में कुछ बात। इसके अलावा भैंस की 2-3 नस्ल और फेमस है। देखो सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में और राजस्थान भैंस के अंदर दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भैंसें आपके जयपुर में मिलती है और न्यूनतम भैंसें आपके जैसलमेर में मिलती है। इसके अलावा आपके देखो बदावरी, नागपुरी और रथ, ये 3 नस्लें और प्रसिद्ध हैं। देखो इनको कैसे याद करोगे? भरना। भरना क्या होता है? वैसे बदावरी, ठीक है, रसे रथ और ना से नागपुरी। यानी बदावरी, रथ और नागपुरी, ये है आपके 3 दूसरी नस्लें। यानी एक तो हुई आपके मुर्रा, एक हो गई आपके सूरती और एक हो गई आपके जाफराबादी। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 3 और नस्लें मिलती है जिसका नाम है बदावरी, रथ और नागपुरी। ये आपके मुख्य रूप से किसकी बात हुई? भैंस पालन की बात हुई। और इसका जो भैंस पालन का हिस्सा है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसलिए आपका जो ये भैंस है ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप बात करो भैंस के बारे में 2-3 फैक्चुअल बातों की, तो आप ये देखो कि अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय भैंस एवं भैंस प्रजनन, केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यानी सेंट्रल बफेलो ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, ये आपके वल्लभ नगर में है। कहाँ पर है? वल्लभ नगर में। और वल्लभ नगर कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। बात समझ गए? वल्लभ नगर कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। और देखो अगर आपसे पूछे कि जो आपके मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा नस्ल का जो अनुसंधान केंद्र है, मुर्रा नस्ल का जो अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान में, ये नस्ल, ये आपके है कुम्हेर में।
कहाँ पर है? कुम्हेर भरतपुर में। ध्यान रखना आपके लिए प्रश्न ये आएगा कि कुम्हेर भरतपुर कौन से गाय के लिए ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पे, तो वो है आपके हरियाणवी गाय। कौन सी गाय है? हरियाणवी गाय के लिए भी यहाँ पर क्या है, प्रजनन केंद्र है। अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भैंस का प्रथम क्लोन कौन सा था, क्लोन का मतलब आप जानते हो हूबहू किसी भी टिश्यू से, उत्तक से जो है दूसरे उसी प्रकार के जानवर को पैदा करना, तो वो सेम जो जानवर पैदा होता है उसे क्लोन कहते हैं। तो भैंस का जो पहला क्लोन था, किसका? भैंस का जो पहला क्लोन था उसका नाम क्या है? गरिमा। क्या नाम है इसका? गरिमा। ध्यान रखना इस बात का कि जो भैंस का आपका पहला क्लोन है उसका नाम क्या है? गरिमा नाम है। कि भैंस का आपके प्रथम क्लोन है, क्या? कौन सा क्लोन है? भैंस का प्रथम क्लोन है गरिमा के नाम से। हम पढ़ रहे थे भैंस, तो भैंस के बारे में हमने देखा केंद्रीय भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर में है, मुर्रा अनुसंधान केंद्र कुम्हेर भरतपुर में है, प्रथम क्लोन गरिमा है। इसके अलावा मुर्रा, स्मृति, जाफराबादी और बदावरी, रथ और नागपुरी, ये हमारे प्रमुख नस्लें हैं। सर्वाधिक आपके उत्तर प्रदेश में, राजस्थान का नंबर दूसरा है। राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में और न्यूनतम जैसलमेर में है। तो ये हुई आपकी किसकी बात? भैंस की बात। गाय के बारे में हम कुछ और बातें दो तीन बात आपको बतानी है, उसको ध्यान रखिए। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम किसका? गाय का, वो है बोस इंडिकस। क्या नाम है? बोस इंडिकस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। गाय का जो मांस होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद है उसे बोलते हैं बीफ। क्या बोलते हैं? बीफ। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। अगर आपसे पूछे कि गाय में गोमूत्र की रिफाइनरी कहाँ पर लगी हुई है, गोमूत्र की क्या रिफाइनरी कहाँ पर है, तो ध्यान रखना गोमूत्र की रिफाइनरी आपके हिंगोनिया में है। कहाँ पर है? हिंगोनिया, जो आपके गौशाला है, और हिंगोनिया गौशाला कहाँ पर है? आपके जयपुर में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में गोमूत्र बैंक कहाँ पर खुला है, गोमूत्र बैंक कहाँ पर खुला है, तो ये खुला है आपके सांचौर में। कहाँ पर? सांचौर में। और सांचौर कहाँ पर है? जालौर में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में गो अभयारण्य कहाँ पर खुला है, गो अभयारण्य, तो ये गो अभयारण्य आपके बीकानेर में खुला है। कहाँ पर खुला है? बीकानेर में। अगर आपसे पूछे कि गो सेवा केंद्र कहाँ पर है, गो सेवा केंद्र, तो गो सेवा केंद्र आपके अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान गौशाला आयोग कब बना, राजस्थान में गौशाला आयोग कब बना, तो राजस्थान में गौशाला आयोग 1995 के अंदर बना। कब बना? 1995 के अंदर बना। तो ये कुछ बातें थी गाय के बारे में जिसको हमने छोड़ दिया था, तो अभी मैंने वापस आपको बता दिया है कि ये गाय की कुछ बातें। वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। गोमूत्र की रिफाइनरी हिंगोनिया जयपुर में है, गोमूत्र का बैंक सांचौर में है, गो अभयारण्य बीकानेर में है, गो सेवा केंद्र अजमेर में है, और राजस्थान गौशाला आयोग, राजस्थान गौशाला आयोग जो है 1995 में बना था भाई, ठीक है। तो ये आपके राठी, हरियाणवी, मेवाती, मालवी, सांचौरी, गिर, नागौरी, काकरे, थारपारकर, जर्सी, रेड एंड होल्स्टाइन। भैंस की बात करें, मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, और सर्वाधिक भैंस जयपुर, न्यूनतम भैंस जैसलमेर। वृद्धि कितनी? 5.53%। राजस्थान का, राजस्थान कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। और इसके अलावा मुर्रा, सूरती, जाफराबादी के अलावा भदावरी, रथ और नागपुरी, कौन सी? भदावरी, रथ और नागपुरी, इसका भी आप ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो ये है आपकी भैंस के बारे में, और आज गाय के बारे में हमने स्टडी किया। इसके अलावा अब आगे आएगी आपके भेड़, इसकी स्टडी हम कल करेंगे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से त्यौहार मना लिया है, पढ़ाई के अंदर प्लान बना लीजिए और पढ़ाई में वापस जुट जाइए। और स्वागत आप सभी का एक बार वापस वाईफाई स्टडी 2.0 पर। तब तक के लिए नमस्कार, जल्दी ही मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।